अगली खबर इंदौर से है, जहां मंगलवार को इस मौसम की पहली जोरदार बारिश हुई है, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन यह बारिश एक परिवार के लिए दुखों का पहाड़ लेकर आई है, क्योंकि इस परिवार के 16 साल के बेटे की मौत नाले में बहने से हो गई है, जिसके बाद करीब 6 घंटे के चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे की बॉडी को नाले से बाहर निकाला जा सका है। राउटीआई नरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि मंगलवार दोपहर 1 बजे तेज बारिश हुई थी। पांचाल इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे एक नाली खुली हुई थी। 16 वर्षीय अयान पिता सहजान निवासी हमालपुरा महू वहां से गुजर रहा था। बारिश के कारण वह किनारे पर खड़ा हो गया। इस दौरान तेज बहाव में एक पॉलीथीन बहते हुए आई, जिसे उठाने के लिए अयान नीचे झुका और पैर फिसलने से वह तेज बहाव में बह गया था और नाली के भीतर चला गया। रघुवंशी के मुताबिक लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बच्चे को बचाने के लिए SDIRF और नगर निगम की टीम के साथ लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। बच्चे के अंडरग्राउंड नाले में फंसे होने की वजह से उसे 4 जगह से तोड़ा गया था। इसके बाद टीम नाले में उतरी और करीब 3 किलोमीटर दूर बच्चे की बॉडी मिली है। मृतक अयान राव में एक साइकिल दुकान पर काम करता था। मंगलवार को पहली बार सीजन में 3 घंटे में करीब 3.6 इंच बारिश हुई थी। बारिश से सड़कों ने नाले का रूप ले लिया था। सकरी गलियों से पानी की तेज धारा बह निकली। बारिश के चलते शहर के भवरकुवा GPU और नवलखा देवासना का विजयनगर संजय सेतु समेत कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। बारिश के कारण यहां जाम की स्थिति बन गई है। मौसम केंद्र के अनुसार इंदौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 3 दिनों में मौसम विभाग ने इंदौर को लेकर दूसरी बार ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक आशीष चौहान ने बताया कि इस सीजन शहर में बारिश का कुल आंकड़ा 8.8 इंच पहुँच चुका है। नाला अंडरग्राउंड था, वहाँ पे 4 जगह खुदाई करी गई। उसमें पूरा पुलिस की और बाकी जनप्रतिनिधि और समाज सेवी लोग जो हैं, जिन लोगों ने उसमें खोजने में योगदान किया, सब नीचे उतरे, सब ने देखा, सभी ने बहुत मेहनत की। उसके बाद फिर हम लोग आगे गए, कुछ सूचना मिलती गई कि आगे है, आगे देखा गया था ऐसा ही, तो हम लोग आगे पहुँचे और लगभग 3 किलोमीटर जो घटनास्थल है वहाँ से 3 किलोमीटर आगे नाले के पास में हसन जी नगर के पास में उसकी बॉडी मिली। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।